नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ और रूट मोबाइल आईपीओ के बारे में। दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड आईपीओ का जो लिस्टिंग हुआ काफी जबरदस्त हुआ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आईपीओ के लिए आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए, वैसे कंपनियां जिसका रेवेन्यू काफी अच्छा है, जिसका बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है, वैसे कंपनियों के लिए आप जरूर अप्लाई करें। तो दोस्तों, ये देखते हैं हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ। 165 रुपये का आईपीओ, अभी आप लिस्टिंग देख लीजिए 371 रुपीज देखते हैं। 350 रुपया पे तो वो ओपन ही हुआ, मतलब 200 रुपया से भी अधिक का गेन प्राप्त हुआ। 200 रुपया से अधिक का गेन, मात्र आप 9 तारीख को रुपया लगाए होते और आज 17 तारीख को आपको 200 रुपया का गेन प्राप्त होता एक शेयर पे। तो दोस्तों, इतना बड़ा रिटर्न, इतना अच्छा रिटर्न आईपीओ में ही प्राप्त हो सकता है। और वैसे कंपनियां जिस जो कि काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी अच्छी है, वैसे ही कंपनियों के आईपीओ में आप अप्लाई करें, तभी आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा। तो दोस्तों, बात करें कि रूट मोबाइल आईपीओ का, तो वो भी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है। अगर आपने अप्लाई किया है तो जा करके स्टेटस चेक कीजिए कि क्या आपको रूट मोबाइल का आईपीओ आपको प्राप्त हुआ है, अलॉट हुआ है। हमें तो दो में से कोई भी आईपीओ अलॉट नहीं हुआ। मैंने हैप्पीएस्ट माइंड और रूट मोबाइल दोनों को एक ही आईडी से अप्लाई किया था, मतलब एक ही डीमैट अकाउंट से मैंने अप्लाई किया था। अलग अलग नाम से आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आपको अलॉट होने का। हमने एक ही, मतलब अपने नाम से अप्लाई किया था, हमें आईपीओ अलॉट नहीं मिला हैप्पीएस्ट माइंड का, रूट मोबाइल का। उसके पहले आईआरसीटीसी का किए थे, वो भी नहीं मिला। तो कई सारे आईपीओ के लिए मैंने अप्लाई किया, लक मेरा इतना ख़राब है कि कोई भी आईपीओ हमें अलॉट नहीं हुआ। तो मेरा काम है सिर्फ अप्लाई करना। तो जब आपका लक काम करेगा, जैसे चांसेस बढ़ाना है, प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ाना है, तो आपको अपने फैमिली मेंबर के नाम से भी अप्लाई करनी चाहिए, तब आपके चांसेस बढ़ेंगे आपको अलॉट हो। तो ये लॉटरी बेसिस पे होता है, कोई एक लॉट के लिए अप्लाई किया उसे मिल जाता है। मैंने कई लॉट के लिए अप्लाई किया था लेकिन हमें नहीं मिला। तो दोस्तों, इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अब देख लीजिए, ये रूट मोबाइल का रेवेन्यू है, रेवेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त है। देख सकते हैं 46 करोड़, मिलियन में है, मिलियन को 10 से भाग दीजिए करोड़ में हो जाएगा। 46 करोड़ का 2018 में था, 2019 में हो गया इसका 54 करोड़, और 2020 के फाइनेंशियल ईयर में हो गया 69 करोड़। देख सकते हैं काफी ज्यादा रेवेन्यू जंप हुआ है। और जून क्वार्टर 2020-21 फाइनेंशियल ईयर, देखते हैं जून क्वार्टर 20 मतलब 21 फाइनेंशियल ईयर में मात्र जून क्वार्टर में 26 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी है ये भी, बिजनेस मॉडल भी काफ़ी अच्छा है और एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो इस आईपीओ में भी आपको ज़बरदस्त लिस्टिंग गेन मिल सकता है। अब आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, या आप लिस्टिंग गेन प्राप्त करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपके हमने पीछे के वीडियो में, कल के वीडियो जा करके चैनल पर जरूर देखिए, उसमें बताया था कि कौन कौन से कंपनी के आईपीओ आने वाले समय में आपको मिलने जा रहे हैं। तो उन कंपनी के आईपीओ में आप हिस्सा ले सकते हैं, जरूर अप्लाई कीजिए। जो अच्छी कंपनियां हैं, जो स्पेशलिटी केमिकल्स की एक कंपनी आ रही है कैंपकॉम, उसके लिए अप्लाई कीजिए। और एक जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दो आईपीओ और इस महीने में है जो कि काफी बेहतरीन है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 21 सितंबर से दोनों आईपीओ ओपन हो रहा है, तो फिर दोनों आईपीओ में आपको मौका मिल रहा है कि आप अप्लाई कीजिए और लिस्टिंग गेन प्राप्त कीजिए और प्रॉफिट अर्न कीजिए। यह बात ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में करेक्शन भी आ सकता है, मार्केट में थोड़ा सा फॉल भी आ सकता है। तो वैसी कंपनियां जो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, रेवेन्यू काफी जबरदस्त है, बिजनेस मॉडल काफी जबरदस्त है, वैसे आईपीओ के लिए अप्लाई कीजिएगा। नहीं तो एसबीआई कार्ड, वो भी कंपनी काफी जबरदस्त थी, लेकिन लिस्टिंग जो है उसका जब हुआ तो वो उसी प्राइस पर लिस्ट हुआ जिस प्राइस पर आईपीओ में शेयर इश्यू हुआ था, लेकिन कंपनी काफी जबरदस्त थी तो उसमें करेक्शन आया और फिर से काफी तेज रिकवरी उसमें देखने मिला। तो जो कंपनी काफी फंडामेंटली स्ट्रांग है, बिजनेस मॉडल काफी बेहतरीन है, वैसे कंपनियों के लिए ही आपको अप्लाई करनी है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चाहे वह पहली बार है, सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।